पेपर लीक के अलावा पेपर कैसे और लोगों के पास गया है, प्रिंटिंग ही गया, दूसरी तरह से गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर सेटिंग के लिए राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता ने, जिसका मैं नाम अभी बताऊंगा, आप शायद समझ भी जाओगे, बोर्ड के अध्यक्ष को 2000 प्रश्न बना के दिए और ये कहा कि सवाल 75 करने, 100 करने, 90 करने, 200 करने, वो 2000 में से कर रहे हैं प्रश्न पत्र में, उसी हिसाब से प्रश्न पत्र को बनाना दिया। लेकिन इन्होंने जो ये 2000 प्रश्न पत्र लिए, ये सीकर में 10-10 लाख लेके 2500 अभ्यर्थियों को बांट दिए, उनसे पैसे इकट्ठे हो गए। अब सरकार अगर दोबारा परीक्षा कराती है तो ये सारे सड़क पर उतर आएंगे और नेताजी से पैसे मांगेंगे और राजभर में ये कांग्रेस के संगठन के नेताओं ने स्टडी सेशन करके भी नाम बता रहा हूं, जो जो पैसे इकट्ठे कर रही है राज्यभर में, वो लोग जो पास हो गए हैं पैसे देकर परीक्षा में, वो सड़क पर उतर आएंगे तो सरकार के सामने दुविधा पैदा करें, हो जाएगी, वो पैसे मांगे तो सरकार इस बदनामी से बचने के लिए ये पेपर निरस्त करना चाहती है, जो भी ऑब्जर्वेशन है और जो भी सूचना है।